अगर आप अपने कंटेंट को यूजर फ्रेंडली और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एफएक्यू सेक्शन को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे कंटेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रीडर के दिमाग में कंटेंट पढ़ने के दौरान आ सकते हैं। ये मोस्टली वन लाइनर आंसर क्वेश्चन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एफएक्यू स्कीमा को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एफएक्यू ऐड करने के लिए किसी प्लगइन का यूज कर सकते हैं या फिर आप जिस एसईओ प्लगइन का यूज कर रहे हैं, रैंक मैथ या योस्ट एसईओ, उसी में आपको एफएक्यू को स्कीमा के साथ ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ब्लॉग एडिटर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप क्लासिक एडिटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एफएक्यू को ऐड करने के लिए अलग से प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉग एडिटर में रैंक मैथ के द्वारा एफएक्यू स्कीमा को ऐड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप पोस्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए। तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूं। ब्रोकन लिंक क्या है, इस पोस्ट को मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूं। मैंने इस पोस्ट को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो इस ब्लॉग पोस्ट में मैं ठीक कंक्लूजन के ऊपर एफएक्यू को ऐड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे, क्योंकि यह हिंदी ब्लॉग है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रोकन लिंक से संबंधित सामान्य प्रश्न, और इसको मैं बना देता हूं हेडिंग। इसके बाद इंटर करना है और यहां पर प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च करना है एफएक्यू। जैसे ही आप एफएक्यू लिखकर सर्च करेंगे तो एफएक्यू बाय रैंक मैथ का ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे आपको सिंपली एफएक्यू बाय रैंक मैथ को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में आपको अपना क्वेश्चन इंटर करना है। इंटर द आंसर टू द क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर इंटर करना है। नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू एफएक्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना दूसरा क्वेश्चन यहां पे इंटर करना है और उसका आंसर उसके नीचे इंटर करना है। उसके बाद आपको फिर नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए सेम फिर ऐड न्यू एफएक्यू पर क्लिक करना है और अगले क्वेश्चन को लिखना है और उसका आंसर क्वेश्चन के ठीक नीचे लिखना है। अगर आप अपने एफएक्यू में कुछ इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे ऐड इमेजेस करके इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इमेज को भी ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद अगर एफएक्यू की कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट रखना है, एफएक्यू के बॉक्स को, और यहां पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिस्ट स्टाइल से आप इस लिस्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर में या अनऑर्डर में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे रिकमेंडेड नॉन में ही करूंगा, तो आप इसे नॉन ही रहने दीजिए। टाइटल रैपर को आप यहाँ से H3 बना सकते हैं या फिर आप इसे पैराग्राफ भी बना सकते हैं। चूंकि मैं क्वेश्चन के टाइटल को पैराग्राफ बनाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पी को सिलेक्ट किया है। इमेज साइज में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस इमेज को अपलोड करेंगे अपने आंसर में उसका साइज क्या होना चाहिए। आप थंबनेल कर सकते हो, उसे मीडियम साइज का रख सकते हो, लार्ज साइज या फुल साइज का इसे कर सकते हो। उसके बाद स्टाइलिंग और एडवांस ऑप्शन, इन दोनों को आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको पोस्ट को पब्लिश कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एफएक्यू ऐड हो चुका है। अब यह पता करने के लिए कि आपका एफएक्यू स्कीमा के रूप में ऐड हुआ है, उसके लिए आपको सिंपली नए टैब को ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है रिच रिजल्ट टेस्ट। रिच रिजल्ट टेस्ट टूल या गूगल का एक ऑफिशियल टूल है। इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपके किस वेब पेज में कौन कौन से स्कीमा लगे हुए हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने पोस्ट का URL इंटर करना है और उसके बाद टेस्ट URL पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू वैलिड आइटम डिटेक्ट, यानी हमारी इस वेब पेज में दो स्कीमा लगे हुए हैं। पहला स्कीमा आर्टिकल का है और दूसरा एफएक्यू का स्कीमा यहाँ पे ऐड हुआ है। सेम इसी प्रकार अगर आप योस्ट प्लगइन का यूज करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। हमारा यह दूसरा ब्लॉग है और इस पर हमने योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज किया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली
FAQ लिख के सर्च करना है तो आपको यहाँ पे योफ्ट FAQ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंटर क्वेश्चन से क्वेश्चन इंटर कर सकते हैं, इंटर द आंसर टू द क्वेश्चन में आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। एड इमेजेस से आप आंसर में इमेज को एड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट क्वेश्चन वाले ऑप्शन से क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए ऐड क्वेश्चन पर आप क्लिक कर देंगे, डिलीट क्वेश्चन का ऑप्शन आपको रैंक मैथ में भी मिल जाएगा। अगर आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज कर रहे हैं और अपने FAQ लिस्ट से किसी क्वेश्चन को हटाना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक करके उसे बड़ी ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में SEO प्लगइन की मदद से FAQ स्कीमा को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड या वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।